Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in our last lecture, we discussed about autoimmune diseases. Basically, autoimmune diseases kya hoti thi? It's a group of diseases jisme aapki jo body hai, wo apne aap ko attack karna shuru ho jati hai. Jisko hum kehte the ki there is a loss of self tolerance, that is a normal state in during which the body does not attack itself because usko pata hota hai ki this particular antigen is my personal antigen and I won't attack this. But what happens in autoimmune diseases is that there is a loss of self tolerance. So today we will be studying about something referred to as rejection of transplants, theek hai, ya transplant rejection. It is not it is a very important topic, but agar aap isko clinical setup ke lihaz se dekho in Pakistan, obviously because there are not lots of transplants going on, hum yahan pe bahut complicated transplants nahi karte. Mostly jo the most common transplant that is going on in Pakistan is kidney transplant. तो उस तरह से शायद आपको वाइड वेराइटीज की ना नजर आए, लेकिन रिजेक्शन ऑब्वियसली बहुत कॉमन है. लेकिन अगर इफ यू गो इनटू द वेस्टर्न वर्ल्ड तो ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट आर बीइंग ट्रांसप्लांटेड इनटू द पेशेंट्स. सो यू माइट हैव नोन समवन और यू हैव माइट हैव सीन समवन इन योर लाइफ जो जिसका फॉर एग्जांपल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो और फिर कुछ अरसे के बाद जो है वो पेशेंट ना सर्वाइव कर पा रहा हो बिकॉज जो है उसकी बॉडी जो है उस ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर रही. सो रिजेक्शन इज एन इम्यून रिस्पॉन्स दैट मीडिएट्स इंजरी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेड टिश्यू. सो ऑब्वियसली यू कैन सी अगर हमारी बॉडी जो है वो ऑटो इम्यून डिजीजेस के अंदर इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वो अपने आप को अटैक करना शुरू हो जाती है, तो इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड कि जब उसके अंदर जब एक नई चीज़ या किसी और इंसान की कोई एक पर्टिकुलर चीज़, एक पर्टिकुलर ऑर्गेन या उसकी ब्लड वेसल ट्रांसप्लांट की जाएगी, तो ऑब्वियसली जो है वो उसको एज अ फॉरन बॉडी कंसिडर करेगी और उसके अगेंस्ट जो है एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगी और उसकी डिस्ट्रक्शन में जो है वो हेल्प करेगी. सो इट्स नॉट समथिंग दैट वी वुड नॉट एक्सपेक्ट व्हेन वी डू अ ट्रांसप्लांट. ऑब्वियसली जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है वो एक मेजर रिस्क है और एक मेजर साइड इफेक्ट है ऑफ ट्रांसप्लांटेशन. सो व्हेनेवर यू ट्रांसप्लांट एनी ऑर्गन इनटू अ पर्सनस बॉडी, सो द बॉडी रिकॉग्नाइजेज इट एज फॉरन substance and starts preparing an immune response against that particular organ and tries to destroy that organ. So hamare paas grafts kis kis tarah ke hote hain, pehle hum ye study karte hain. Autologous grafts hote hain jiske andar aapke paas bone marrow aa jata hai, peripheral blood stem cells aa jate hain, skin aa sakti hai ya bone aa sakti hai.
ऑटोलोगस का ये मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन से, अगर फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी का एक एरिया का बोन मैरो निकाल के, फॉर एग्जांपल मेरी फीमर का बोन मैरो निकाल के अगर मेरे ह्यूमरस के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो दैट विल बी ऑटोलोगस। इस वाली चीज के अंदर ऑब्वियसली कॉमन सेंस भी क्या कहती है कि ऐसे ट्रांसप्लांट्स के अंदर देयर वोंट बी इम्यून रिस्पॉन्स, या इतना कोई इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो शायद ट्रिगर ना हो, बिकॉज जो है मतलब मेरी बॉडी का ही एक पर्टिकुलर एरिया जो है दैट इज बीइंग रिमूव्ड एंड दैट इज बीइंग ट्रांसप्लांटेड टू अनदर एरिया ऑफ माय बॉडी। सिनर्जिक ट्रांसप्लांट क्या होते हैं, इट्स रेयर, क्योंकि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिकल ट्विंस हैं जिनको आप मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हो, ऑब्वियसली देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, टू वेराइटीज ऑफ ट्विंस, बेसिकली देर आर फोर, लेकिन जो वायबल ट्विंस होते हैं जो हमें नजर आते हैं उसमें एक आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और एक आपके पास नॉन आइडेंटिकल या डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। अगर उनका जेंडर डिफरेंट है और उनकी शक्लें जो हैं वो आपस में इतनी नहीं मिल रही हैं, इट मीन्स कि वो लोग डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं। और इफ दे आर हैविंग द सेम जेंडर एंड इफ दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दे लुक अलाइक, देन दीज आर आइडेंटिकल ट्विंस। सो इसके अंदर ऑब्वियसली जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, नॉट ओनली दे डू दे लुक लाइक वन अनदर, वट इज़ हैपनिंग इज के उनका जो अंदर का जो सारा सिस्टम है, उनका जो इम्यून सिस्टम है, उनका जो बॉडी का सिस्टम है, वो भी मोर और लेस जो है वो सेम होता है, बिकॉज उनका जो जेनेटिक मटीरियल होता है दैट इज सेम। सो आइडेंटिकल ट्विंस में अगर फ्रॉम इफ वी ट्रांसप्लांट वन पार्ट ऑफ वन आइडेंटिकल ट्विन टू अनदर, सो दैट इज रेफर टू एज अ सिनर्जिक ट्रांसप्लांटेशन। एलोजेनिक क्या होती है कि towards an other human ya towards an animal or towards an organism of the same species except that identical twin, for example jo hai kisi bhi particular bande se jo hai unknown jo donors hote hain unse aapko agar transplantation uski ho to that is allogenic, so that is not only human, agar for example if we are using any other animals, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ कैट, जैसे पेट कैट है आपने उसका ट्रांसप्लांट कराना है, तो इफ यू आर यूजिंग द कैट ऑफ द सेम स्पीशीज टू डू दैट, सो दैट विल बी एलोजेनिक। और जीनोजेनिक क्या होगा कि अगर फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैट से जो है ह्यूमन के अंदर कोई चीज ट्रांसप्लांट करना चाहो तो दैट विल बी जीनोजेनिक ट्रांसप्लांट। ऑटो ट्रांसप्लांटेशन इज द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स, टिश्यूज और इवन पर्टिकुलर प्रोटीन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर इन द सेम पर्सन। ऑटो का मतलब है सेल। द ट्रांसप्लांट ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एन अदर ऑफ द सेम स्पीशीज विद अ डिफरेंट जेनोटाइप, फॉर एग्जाम्पल अ ट्रांसप्लांट फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन बट नॉट एट आइडेंटिकल ट्विन इज एन एलोग्राफ। So we have read about autograft and now we are reading about allograft. Ab synergic graft hum already discuss kar chuke, identical twins ki baat thi jo humne. Tissue or organ transplanted from one member of a species to another genetically identical member of the species, as a kidney transplanted from one identical twin to another. So that will be referred to as a synergic or isograft. Xenograft क्या होता है, graft obtained from a member of one species and transplanted to the member of another species, also referred to as the heterograft, ठीक है, from one species to another अगर आप transplant करोगे तो that is also referred to as the heterograft। देखो for example जो है ये अगर इस particular जो mouse था इससे इसके from one part to another part अगर आपने transplant किया तो that will be autograft, if this is his or her genetically identical twin और इनकी आपस में transplant हुआ है तो that will be isograft, if this is an any other mouse except for its genetically identical twin, so this is referred to as an allograft, genetically different member of the same species, aur agar aap kisi aur different, agar aap mouse ko chhod ke cat ke andar transplant kar doge to that is xenograft. I think these are pretty easy terms and I think all of you understand what is actually going on. Now we will move on to something that we have already discussed in the previous lectures about immune
responses, जिसमें major histocompatibility complex आ जाता है, जो आपने पढ़ा था कि human leukocyte antigen जो है आपका in humans जो है ये होता है. So basically it's a group of genes जो कि आपकी particular immune responses को mediate करता है. So जो type 1 है वो बाइंड करता है CD8 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट्स के साथ, और जो टाइप 2 है दैट बाइंड्स टू CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट्स. एन इजी वे टू रिमेंबर दिस इज के एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू गेट अ डिजिट ऑफ 8. सो इफ यू मल्टीप्लाई 8 विद 1 दैट इज 8, एंड इफ यू मल्टीप्लाई 4 विद 2 दैट इज आल्सो 8. So I'm talking about this 8 and this 1. I'll show you आगे 4 or 2 कैसे आता है. So the thing to remember is कि जो major histocompatibility complex that is MHC, that is type 1, उसके साथ you will have a binding of CD8 positive T lymphocytes. It is encoded by human leukocyte antigen जिसको आप HLA कहते हो. उसकी genes कौन कौन सी हैं? HLA-A, B and C. So major histocompatibility complex के अंदर the important thing to note is के जो genes आपके पास होती हैं basically they are encoded by the genes that you have are encoded by single letter. देखो one से आप याद करो कि single letter होगा A, B and C expressed on almost all the nucleated cells. Not expressed on red blood cells. ठीक है, nucleated cells पे express होता है but red blood cells पे express नहीं होता. Red blood cells पे क्यों नहीं express होता? Because वो nucleated नहीं होते, red blood cells के nuclei नहीं होते. Red blood cells are anucleated cells. What about major histocompatibility complex 2? ये अभी जैसे मैंने आपको I was talking about this 1 and this 8. And now I'm talking about this 2 and this 4. So they bind to CD4 positive T lymphocytes. So at the end of the day, you need to get an 8. Aur dusri cheez kya hai ki ye jo HLA genes hongi, because ye 2 hai, to pehle humne A, B aur C padhi. So iske andar aapke paas 2 digits aa jayengi. That will be DR, DP and DQ. They are expressed on antigen presenting cells. Theek hai, jisme aapne dendritic cells padhe the. और पर्टिकुलर और भी आपने वैरायटीज जो हैं वो पढ़ी थी, जो बेसिकली जिन सेल्स का काम है कि उन्होंने एंटीजन जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करके सरफेस पे अपने प्रेजेंट कर देना है टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम. सो जो MHC टाइप 2 मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एक्सप्रेस्ड ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द ट्रांसप्लांट रिजेक्शन. उसके अंदर हमारे पास चार वैरायटीज होती है ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन. वन इज द हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, सेकंड इज एक्यूट रिजेक्शन, थर्ड इज क्रॉनिक रिजेक्शन एंड द फोर्थ इज अ ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज. सो बेसिकली हाइपर एक्यूट रिजेक्शन जो है देखो एक्यूट क्या चीज होती है, जो चीज रैपिडली जो है वो डिवेलप करती है, और क्रॉनिक क्या होती है, जो चीज जो है वो over the period of time जो है वो develop करती है. For example, I might say के जो जैसे cancer है it's a chronic disease because वो slowly slowly जो है build up करता है और slowly slowly जो है वो destroy करता है the body of a person. But for example, if I say के if someone has developed a life-threatening case of COVID-19, so that will be an acute disease. So I think that you know the difference between acute and chronic. So hyperacute ka kya matlab hai ki ye acute se bhi zyada jo hai wo tez hai. So it occurs within minutes or days. So for the rejections you need to memorize the timing that is taking matlab that is important ki hyperacute mein kitni der mein reject hoga और एक्यूट में कितनी देर में रिजेक्ट होगा और क्रॉनिक के अंदर कितनी देर में रिजेक्ट होगा. सो इट अकर्स विद इन मिनट्स और डेज. इट इज बेसिकली अ टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होता है कि आपकी एंटीबॉडीज जो हैं वो रिएक्ट करती हैं अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजन एंड स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग इट. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर इज के जो आपका ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट होगा
उसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज होंगी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेन और टिश्यू दैट इज बीइंग ट्रांसप्लांटेड इनटू द होस्ट. ऑलरेडी प्रेजेंट प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं इसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर जो है अगर एक बंदा जो है वो बी पॉजिटिव उसका ब्लड ग्रुप है, तो जो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर जो है एंटीजन होते हैं बी एंटीजन्स और एंटीबॉडीज होती हैं ए एंटीबॉडीज. तो अगर उस बंदे के अंदर अगर मैं ट्रांसप्लांट करूँ या मैं ट्रांसफ्यूज करूँ ब्लड ऑफ पर्सन फ्रॉम दैट इज ए पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली उसके अंदर उस ए पॉजिटिव ब्लड के अगेंस्ट ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो है उसके ब्लड में पड़ी हुई हैं, तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो फॉरन एक रिएक्शन जो है वो मीडिएट करेंगी. सो वो विद इन मिनट्स हो जाएगा वो रिएक्शन. सो व्हाट यू नीड टू नो इज के इन हाइपर एक्यूट रिजेक्शन the antibodies against that particular organ or tissue that is being transplanted are already preformed and are present within the donor's body, within the recipient's body. So iske andar kya hoga ki once you have transplanted to uske baad jo hai vessel occlusion start ho jayegi, ischemia, necrosis ho jayega us particular organ ka. इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती और आपका ना जो इवेंचुअल जो ट्रीटमेंट होती है वो यही होती है कि आपने उसको जो आपने ग्राफ्ट किया था या आपने जो ट्रांसप्लांट किया था आपने उसको उस पर्टिकुलर ऑर्गन को या टिश्यू को जो है आपने इसको रिमूव करना होता है इमीडिएटली. सो बेसिकली व्हेन एवर अ सर्जन डज transplant, he actually waits for a period of time to make sure that everything is going fine and there is no hyperacute rejection going on in the body. Then moving on to acute rejection, this is also called the acute T-cell mediated rejection. Antibodies develop after the transplant. Rejection occurs days or weeks after the transplantation. So type 4 hypersensitivity reaction prevent or reverse with immunosuppressants. So, इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर भी एंटीबॉडीज बन रही हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज कि उसके अंदर प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी विद इन द होस्ट. बट व्हाट इज हैपनिंग इज कि इन द एक्यूट रिजेक्शन द एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड आफ्टर द ट्रांसप्लांट इज डन. तो उसको इसीलिए तो फिर जब एंटीबॉडीज जब तब फॉर्म होंगी तो वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे या इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे. लिहाजा जो यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एट प्ले है दैट विल बी अ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. और इसकी जो डेज टू वीक्स जो है वो लगते हैं, इवन मंथ्स भी लग सकते हैं टू दिस फॉर द एक्यूट रिजेक्शन. अब इसकी प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हो? अब फॉर हाइपर एक्यूट यू हैड नो प्रिवेंशन, बट फॉर एक्यूट आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो कि आप इम्यूनो सप्रेसेंट्स देते हो. यू माइट हैव हर्ड के जो पेशेंट ट्रांसप्लांट का पेशेंट होता है वो ऑन हैवी डोज ऑफ इम्यूनो सप्रेसेंट्स होता है. इम्यूनो सप्रेसेंट्स क्या होते हैं? ये दीज आर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्रेसिंग और लोअरिंग द योर इम्यून रिस्पॉन्सेज. ठीक है, जो आपका इम्यून रिस्पॉन्सेज जो आपके नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको ये डैमेज करते हैं ये ड्रग्स होते हैं. तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रांसप्लांट जो है वो इसीलिए इतना फेवरेबल एक ऑप्शन नहीं होती अनलेस यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन देन यू गो फॉर अ ट्रांसप्लांट. बिकॉज जो ट्रांसप्लांट का पेशेंट होता है उसकी जो लाइफ है वो इवेंचुअली बहुत मिजरेबल हो जाती है. बिकॉज उसको क्योंकि उसका इम्यूनोसप्रेसेंट्स आप दे रहे हो उसको, उसका आप इम्यून जो सिस्टम है उसको आपने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, तो उसको जो छोटी सी भी जो कोई बैक्टीरिया है या वायरस है जो कि नॉर्मली एक बंदे को हार्मफुल नहीं होता तो वो उसके अंदर हार्म क्रिएट कर सकता है. बिकॉज उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट करने की कैपेसिटी जो है वो नहीं रखता. सो आपने जो है इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे के इस बंदे के अंदर जो है एक्यूट रिजेक्शन को आप कोशिश कर सकते हो कि ना हो. क्रॉनिक रिजेक्शन क्या होती है कि इसके अंदर दोनों चीजें आती हैं कि टी सेल्स भी इन्वॉल्व हैं, एंटीबॉडीज भी इन्वॉल्व हैं. सो इट इज बेसिकली बोथ टाइप 2 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. इसमें कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज पहले से मौजूद होंगी और उसके अलावा जो है एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस भी बनेंगे.
बट द थिंग इज कि ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करता है और इसमें इवेंचुअली क्या होता है कि आपका जो है ब्लड वेसल्स जो है वो अक्लूड होना शुरू हो जाती हैं. दैट इज रेफर टू एज एथीरोसेक्लेरोसिस. एथीरोसेक्लेरोसिस क्या है कि दैट इज द नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स बाय अ फैटी फाइब्रस मटीरियल जो कि नॉर्मली आपके हार्ट अटैक का कॉज होता है. एथीरोसेक्लेरोसिस का फिनोमिनन आई होप आप लोगों को पता होगा कि एथीरोसेक्लेरोसिस क्या चीज होती है. जब वेन एवर अ पेशेंट इज ईटिंग टू मच फैटी फूड, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत हाई है, मोटा बंदा है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल पर्सन नॉट अ ट्रांसप्लांट पेशेंट. सो उसके अंदर जो है देर इज अ बिल्डअप ऑफ फैटी मटीरियल और कोलेस्ट्रॉल इन टू द वेसल्स ऑफ द बॉडी दैट इवेंचुअली रिजल्ट दैट कैन लीड टू अ हार्ट अटैक. सो इसके अंदर भी बेसिकली वट हैपन्स इज के एथीरोसेक्लेरोसिस होना शुरू हो जाएगा और जो टाइम पीरियड है या टाइम फ्रेम जो है इसमें मंथ्स टू इयर्स का आपके पास टाइम फ्रेम होता है और ये इररिवर्सिबल होता है. ठीक है, बिकॉज आपने ऑलरेडी पेशेंट को इम्यूनो सप्रेसेंट्स पे डाला होता है तो ऑब्वियसली आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते. सो दिस इज बेसिकली इररिवर्सिबल रिजेक्शन. So hyperacute rejection due to preformed antibodies, normal kidney grafted into a patient with defective kidney and pre-existing antibodies against the donor blood group antigens. मैंने अभी जैसे आपको बताया A और B के दरमियान क्या difference होता है. So just to recall आप लोगों के साथ, जो A group होता है, जो A blood group होता है, उसके अंदर A antigen होता है और B के खिलाफ antibody होती है. जो बी ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर बी एंटीजन होता है और ए के खिलाफ एंटीबॉडी होती है. जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर ए और बी एंटीजन दोनों होते हैं और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती. और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर बेसिकली एंटीजन जो हैं कोई भी नहीं होते और एंटीबॉडीज जो हैं वो ए के खिलाफ भी होती हैं और बी के खिलाफ भी होती हैं. लिहाजा जो आप ओ को सिर्फ ओ के अंदर जो आप ट्रांसफ्यूजन करते हो वो सिर्फ ओ की करते हो. सो दिस वाज जस्ट एन ऑफ टॉपिक बट यू शुड नो दिस. सो उसके अंदर फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो किडनी का तो देयर इज अ चांस ऑब्वियसली कि कुछ ना कुछ जो ब्लड है वो साथ में आएगा, कहीं ना कहीं जो है उस टिश्यू के साथ ब्लड जो है वो लगा होगा. Antibodies against the donor blood group antigens bind vascular endothelium of graft, initiating an inflammatory response which occludes the blood vessel. ठीक है, वो antibodies जो already preformed थी उस बंदे के अंदर वो जाके bind करेंगी उस graft को और उसको जो है उसके मतलब उस graft की vessels के अंदर और जाके वहाँ पे एक inflammatory response जो है वो elicit करेंगी. Graft becomes engorged and purple colored because of hemorrhage. ठीक है, so graft जो है आपका eventually जो है वो purplish in color हो जाता है because of hemorrhage. Okay, steps in hyperacute rejection. Pre-existing host antibodies are carried to the kidney graft. ठीक है, जो pre-existing थी वो चली गई यहाँ पे. Antibodies bind to antigens of renal capillaries and activate complement. Complement split products attract neutrophils which release lytic enzymes. Neutrophils, lytic enzymes destroy endothelial cells. Platelet adheres to the injured tissue causing vascular blockage. So this is basically यही. अब देखो मेरी बात सुनो, आप लोगों को जो inflammation मैंने पढ़ाई थी in the very beginning of our semester, so you will see कि किस तरह से जो है वो हर topic के अंदर अपने आप को जो है वो बेसिकली कर लेती है, घुसा लेती है. सो यहाँ पे भी सारी की सारी जो है वो इन्फ्लेमेशन के बारे में जो हमने पढ़ा था वो सारा को सारा हो रहा है. सो व्हाट इट इज सेइंग इज कि जैसे ऑटो एंटीबॉडी जो एंटीबॉडीज है अगेंस्ट द ग्राफ्ट वो एंटर होंगी इनटू द ग्राफ्टेड टिश्यू और वहाँ पे एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर करेंगे जिसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होगी और इवेंचुअली जो है प्लेटलेट्स का एक प्लग बन जाएगा और ऑक्लूड कर देगी उस ब्लड वेसल को. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू समथिंग कॉल्ड द ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज. ये एक और चीज होती है दैट इज डिफरेंट. इसके अंदर बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज के जिस बंदे के अंदर आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो that is already immunocompromised. For example, HIV ek bahut notorious disease hai that is responsible for your immunosuppression ya immunocompromise. Uske andar aapke jo hain wo T cells jo hain wo destroy ho jate hain.
बंदा जो है वो इम्यूनो सप्रेस्ड होता है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है. तो अगर आप जो ट्रांसप्लांट है वो किसी ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट के अंदर कर रहे हो, तो व्हाट विल हैपन इज कि जो आपका ग्राफ्ट के अंदर जो आपके इम्यून सेल्स होंगे वो होस्ट को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाएंगे. और इसके अंदर जो पहले हमने तीन एग्जांपल्स पढ़ी हैं हाइपर एक्यूट, एक्यूट एंड क्रॉनिक रिजेक्शन में, उसके अंदर जो है द डैमेज वाज बीइंग डन बाय द होस्ट बॉडी टू द रेसिपिएंट्स ऑर्गन. जो रेसिपिएंट का पर्टिकुलर ऑर्गन था उसके साथ वो डैमेज हो रहा था. बट व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ अ ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज इज के जो होस्ट है उसके अगेंस्ट जो है वो सारा का सारा जो है वो डैमेज हो रहा है, बिकॉज जो होस्ट है वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है. और जो पेशेंट जो आपने ग्राफ्ट किया है या जो आपने ट्रांसप्लांट किया है उसके अंदर जो पर्टिकुलर इम्यून सेल्स प्रेजेंट हैं वो होस्ट को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाएंगे. So grafted T cells proliferate in the immunocompromised host and rejects the CD8 T cells from graft directly damages the host. CD4 T cells from the graft release macrophages and damage the host cells. Examples are bone marrow and liver transplant. So basically iske andar ye most commonly hota hai with a transplant jiske andar high number of lymphocytes hote hain. So इसके अंदर bone marrow की example आ गई है और liver की example आ गई है, ठीक है? So these are two examples, but these two examples in case of an immunocompromised or immunosuppressed host, for example, a person suffering from HIV, ठीक है? या AIDS. Ma'am. Okay, acute graft versus host disease is within 100 days of transplantation. Immune system involvement, epithelial cell necrosis. क्लिनिकल फीचर्स आपके क्या होंगे? स्किन रैश होगी, जॉन्डिस होगा, डायरिया होगा. स्किन के अंदर क्या होगा कि बेसल सेल डिस्ट्रक्शन है, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन है, लिहाजा आपको जो है वो स्किन रैश हो जाएगी. लिवर क्या होगा? लिवर कंजेस्टेड होगा, उसका हीमरेज होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल बाइल डक्ट्स. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की इन्वॉल्वमेंट में देयर विल बी फोकल क्रिप्ट लीजन एंड डेथ ऑफ द बेसल सेल्स, ठीक है? So basically there is something that is destroying the host. So आपके जो clinical features होंगे वो host के ऊपर आपको नजर आएंगे, जिसमें आपके पास skin rash है, jaundice क्यों होगा because liver जो है वो damage हो रहा है, और diarrhea क्यों होगा because gastrointestinal tract जो है वो आपका damage हो रहा है. Chronic graft versus host disease is more than 100 days, ठीक है? उसमें 80 to 400 days हो सकते हैं. The graft CD4 helper T cell will react with host B cell. जो ग्राफ्ट का CD4 पॉजिटिव टी सेल होगा वो होस्ट के बी सेल के साथ रिएक्ट करेगा. अब इसके अंदर क्या है, ये ज्यादा सीवियर डिजीज हो गई है. देयर विल बी एक्सटेंसिव क्यूटेनियस इंजरी, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन अपेंडेजेस, फाइब्रोसिस ऑफ डर्मिस रिजेंबल सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, ठीक है? सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, इफ यू रिमेंबर स्क्लेरोडर्मा जो हमने लास्ट टाइम जो है ऑटो इम्यून डिजीजेस में पढ़ा था. So, इसके अंदर जो है there will be extensive destruction and fibrosis of the skin. Liver में क्या होगा, there will be cholestatic jaundice and gastrointestinal tract के अंदर there will be esophageal strictures. ठीक है, gastrointestinal tract के अंदर आपके पास जो esophagus है उसके अंदर strictures बन जाएंगे. Liver के अंदर जो है आपका yet again एक severe type jaundice हो जाएगा, और skin जो है वो fibrosis hoga that will resemble systemic sclerosis. So improvement in graft survival kya ho sakta hai ki transplantation within families, aap within family members jo hai wo transplantation karo. ABO typing example for kidney grafts. ABO typing kya hai ki aapko pata hona chahiye ki agar aap A positive blood group wala patient hai to aap usko transplant jo hai wo A positive blood group wale patient ke andar karo, आप बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट के अंदर ना करो. टिश्यू टाइपिंग, या आप टिश्यूज की भी क्रॉस मैचिंग करा के देख लो कि टिश्यूज जो हैं वो उनके अंदर कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा कोई एंटीजन तो नहीं है जो ट्रिगर कर सकता है, या उनकी आपस में कितनी कंपैटिबिलिटी कितनी है. फिर इसके अलावा जो है आप इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हो कि आप जो ब्लड है उसको आप इरेडिएट करो बिफोर ट्रांसप्लांटेशन. मतलब आप उसके अंदर रेडिएशन डालो और उसके अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट्स थे आप उनको डिस्ट्रॉय कर दो. और दूसरी चीज इम्यूनो सप्रेशन जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो
So this ends our lecture here. Let me move on to the next lecture. Agar koi chota lecture hua, so we can finish it off in 20 minutes. Main padha hua nahi. Nahin, this is a relatively longer lecture jo agla wala aapka hai. Iski kuch slides jo hai wo we can read through, but I have not prepared them, so I have to read through with you people. But let's start, because agar 4-5 slides hai, उसके बाद जो है वो आपका न्यूप्लेजिया या कैंसर का जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाता है. सो वील बिगिन दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो है आपका न्यूप्लेजिया वाला लेक्चर. न्यूप्लेजिया का टॉपिक जो है वो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे. तो उससे पहले जो 3-4 स्लाइड्स हैं उनको हम गो थ्रू कर लेते हैं टुगेदर. So, immunodeficiency syndromes क्या क्या होंगे. immunodeficiency basically क्या है, अगर आपका जो क्या कहते हैं अगर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज है, या इम्यून सिस्टम जो अभी हम पिछले आई थिंक इन वी हैव डिस्कस्ड इट इन 4 लेक्चर्स, हमने 2 लेक्चर्स में खास से 2 से 3 लेक्चर्स हमने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़े थे, फिर हमने ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में पढ़ा था, और आज हमने बेसिकली ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के बारे में पढ़ा है. सो बाय नाउ यू माइट हैव अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट एन इम्यून सिस्टम इज. सो इफ योर इम्यून सिस्टम इज नॉट वर्किंग रियली वेल, सो व्हाट आर द पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स दैट टेक प्लेस इफ यू हैव इम्यूनोडेफिशिएंसी, और इफ योर इम्यून सिस्टम इज सप्रेस्ड एंड इट्स नॉट वर्किंग इन अ गुड वे. So these are certain examples. Iske andar there is some referred to as X-linked A-gamma globinemia, or also referred to as a Bruton gamma globinemia. So iske andar this is basically A-gamma globinemia. I'm sorry, I have to edit it with you right now because ye my first time dekh rahi hu, I didn't prepare this. So, इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि आपका जो एक टायरोसिन काइनेज, एक आपकी चीज होती है, एक आपका एंजाइम होता है, जो कि आपके लॉट ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, अ लॉट ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस दैट गो इनसाइड योर बॉडी, उसके अंदर ये जो चीज है टायरोसिन काइनेज, ये जो है वो हेल्प करता है. उसके अंदर आपकी इंसुलिन से रिलेटेड भी, इसकी जो इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म है, ये जो इंसुलिन आपका सारे रिएक्शन कर रही होती है, वो भी टायरोसिन काइनेज डिपेंडेंट होता है. सो इसके अंदर आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देयर विल बी नो मैच्योरेशन ऑफ द बी सेल्स, ठीक है. आई विल एडिट दिस अगेन. सो देयर विल बी नो मैच्योरेशन ऑफ द बी सेल्स, ठीक है. तो बी सेल्स नहीं होंगे तो आपका ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो नहीं होगा, ठीक है. बिकॉज आपका इसके अंदर बेसिकली द डिफेक्ट इज इन द टायरोसिन काइनेज जीन, एंड देयर विल बी नो मैच्योरेशन ऑफ द बी सेल्स. सो इफ बी सेल्स आर नॉट मैच्योरिंग, दे आर नॉट गोइंग इन, दे आर नॉट बींग एक्टिव एक्टिवेटेड, या वो मैच्योर नहीं हो रहे, तो वट विल हैपन इज के इसके अंदर जो है आपकी जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स था, दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट एंटीबॉडीज अगेंस्ट द पर्टिकुलर एंटीजन, दे वोंट बी देयर. सो इसके अंदर क्या चीज होती है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है. एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है ये एक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है. आई होप आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री या मोलेक्युलर बायोलॉजी जो पढ़ा था, जेनेटिक्स पढ़ा था, तो आप लोगों को पता होगा कि एक्स लिंक्ड का क्या मतलब होता है. दैट इज समथिंग जो कि आपकी बेसिकली दैट इज अ डिसऑर्डर दैट इज प्रेजेंट इन द बॉयज ओनली, बिकॉज जो है ये मदर से आपको जो डिफेक्टिव एक क्रोमोजोम मिलता है, और फादर से जो आपको वाई क्रोमोजोम मिलता है, और मदर से आपको एक्स क्रोमोजोम मिलता है.
इन केस ऑफ बॉयज. सो व्हाट हैपेंस इज के क्योंकि मदर का जो है वो एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है, तो वो जो बच्चा होगा दैट द बॉय विल हैव द डिजीज. बट क्योंकि फीमेल्स के अंदर शी विल गेट वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर एंड वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर मदर, सो डिस्पाइट ऑफ हैविंग द डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम, जो उसका अदर एक्स क्रोमोसोम जो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम होगा वो उस डिजीज को इतना मैनिफेस्ट होने नहीं देगा. सो व्हाट विल हैपन इज के देयर विल बी रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आफ्टर 6 months ऑफ एज, बिकॉज वो बंदा जो है वो बच्चा जो है बेसिकली वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है. So there will be, I will add certain things to this. There will be absent B cells and reduced immunoglobulins in the blood. ठीक है, immunoglobulins क्या है? आपकी antibodies हैं. तो अगर B cells आपके mature नहीं हो रहे तो obviously वो antibodies नहीं produce कर पा रहे, तो आपके blood के अंदर antibodies जो हैं वो कम होंगे. ठीक है, सो इसके अंदर जो है आप इस बच्चे के अंदर जो है जिसके अंदर ब्रूटन ए गामा ग्लोबुलिनेमिया हो रहा है, आप उसके अंदर एक्सपेक्ट करोगे कि इट विल हैव शी और ही विल बेसिकली ही विल हैव रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. सो मैं मुझे थोड़ा सा ओसीडी है ऑफ हैविंग ये जो फॉन्ट की मिस्टेक्स होती है उनको ठीक करने का. मैम इस डायग्राम के बारे में बताइएगा जरा. तो इसके अंदर क्या होंगे कि आपके वही येट अगेन व्हाट इज हैपनिंग इज के यू हैव अ डिफेक्ट इन द, सो दिस इज नॉट इमैच्योर बीटा सेल्स, सो देयर इज अ डिफेक्ट इन in the match in the defect in B cell differentiation. I'm sorry I have to do this in front of you people. Ma'am, so, basically what is happening is ke इसके अंदर उसके अंदर जो थे सेल्स मैच्योर बी सेल्स जो है वो मैच्योर नहीं हो रहे थे. इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके जो बी सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली. अगर आप लोगों को याद हो कि जो बी सेल्स होते हैं वो इवेंचुअली प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन. सो इनकी डिफरेंशिएशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक पर्टिकुलर एंटीजन, इफ आई हैव इनकाउंटर्ड एन एंटीजन ऑफ फॉर एग्जाम्पल स्टेफिलोकॉकस ओरियस बैक्टीरियम, तो मैं उसके अगेंस्ट पर्टिकुलर बॉडीज मेरा जो बी सेल बनाएगा वो डिफरेंशिएशन के थ्रू होगा. डिफरेंशिएशन क्या होती है कि एक आपके पास एक पूल है फॉर एग्जांपल बी सेल्स का जो एक इमैच्योर बी सेल्स हैं या एक अनडिफरेंशिएटेड बी सेल्स हैं और वो इनकाउंटर करते हैं पर्टिकुलर एंटीजन को और वो डिफरेंशिएट होंगे टू रिलीज एंटीबॉडीज दैट आर अगेंस्ट दैट विल वर्क अगेंस्ट द पर्टिकुलर antigen, so that is referred to as the B cell differentiation. ठीक है, so the cause of this disease is basically unknown. इसको आप idiopathic कहते हो. अगर एक disease का cause जो है वो unknown होता है तो that is idiopathic. ठीक है, idiopathic disease है. उसके बाद क्या होता है कि basically there will be reduced plasma cell, obviously increased risk of autoimmune diseases. And there will be increased risk of pulmonary infections. ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप अपने अपनी बॉडी को इमेजिन करो जो आप लोगों ने innate immune responses जो पढ़े थे तो आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा होगा कि जो innate immune responses होते हैं they are basically mostly जो हमारे जो nasopharyngeal tract होता है, ये जो respiratory tract होता है उसके through जो है वो होते हैं. कि जैसे पहले nose के अंदर hair होते हैं, फिर उसके बाद mucus जो है वो produce कर रहा होता है आपका trachea, आपके bronchi. So जो mostly infections, आपको जो risk होता है infections का to go inside your body is through your mouth or through your oral cavity. सो इसके अंदर जो है मोस्टली रिस्क जो होगा वो पल्मोनरी इन्फेक्शन का क्यों होगा, बिकॉज वो पेशेंट जो है एक्सपोज है टू द डिफरेंट पैथोजेंस और टू द वायरसेस बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन द एयर
और वो उनको इनहेल कर सकता है और वो जो है उनको इवेंचुअली जो है दे विल कॉज पल्मोनरी इन्फेक्शंस. ठीक है, मोस्ट कॉमनली दिस पेशेंट हैज पल्मोनरी इन्फेक्शंस एंड ही इज एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ऑटोइम्यून डिजीजेस. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज देयर इज एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ नेजल साइनस इन्फेक्शंस. बेसिकली वही साइनोसाइटिस होगा इस पेशेंट को. सो दीज आर द साइनसेस. ये आप लोगों ने एनाटॉमी में शायद पढ़े होंगे कि ये मैक्सिलरी साइनस है, ये फ्रंटल साइनस है, ये थायमॉइडल साइनस है, ये स्पिनोइडल साइनस है. ये जो है इनके अंदर जो है अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो दैट इज रेफर टू एज साइनोसाइटिस. आप लोगों ने कॉमनली सुना होगा, आप लोगों का शायद कि कोई जानने वाला हो कोई फैमिली में जिसको साइनोसाइटिस होता रहा होता है बहुत ज्यादा. बट आई एम नॉट सेइंग कि उसको ये बीमारी है, साइनोसाइटिस हो जाता है कुछ लोगों को, इट्स नॉट समथिंग. लेकिन व्हाट हैपेंस इज कि इस डिजीज के अंदर साइनोसाइटिस के जो रिस्क है दैट इज रिलेटिवली इंक्रीज्ड. सो नाउ मूविंग ऑन टू समथिंग रेफर्ड टू एज स्किड. स्किड कहते हैं बेसिकली इस डिजीज को, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी. So there is deficiency of both B and T lymphocytes. अगर B और T lymphocytes जो हैं वो deficient होंगे तो there will be obviously a decrease in both cell mediated and humoral immunity. Humoral immunity आपकी mediate करनी है B cells ने, और आपकी जो cell mediated immunity है वो mediate करनी है आपके T cells ने. So basically जो एक enzyme इसके अंदर deficient होता है वो आपका होता है ADA enzyme, जिसको आप adenosine deaminase enzyme कहते हो. ये जो enzyme होता है ये responsible होता है for the maturation or for the maturation of the T cells. तो ये जब deficient होगा तो obviously जो आपके T cells हैं वो इतने mature नहीं होंगे, और T cells जो होते हैं B cells को भी, आपने जो helper T cells के बारे में पढ़ा था. So, इसके अंदर basically what will happen is के the patient will have yet again bacterial, fungal, viral infection. Treatment इसका क्या होगा? The bone marrow transplant जो है वो इसका treatment है. So, for SCID इसके अंदर patients जो है वो mostly at a very young age जो है वो they die because इनके अंदर इतना immune response जो है उनका इतना अच्छा नहीं होता. लेकिन अगर आप for example bone marrow transplant उसको पेशेंट को दोगे तो उसके अंदर जो नॉर्मल बी और डी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो सकेंगे, और इवेंचुअली जो है ही और शी विल हैव द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस. सो द की पॉइंट इज के देयर इज एडीए डेफिशिएंसी. इट्स एन एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. देयर इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पर्प्यूरा एंड इन्फेक्शंस. देयर इज अ डिक्रीज इन बी एंड टी सेल्स. नहीं ये तो कोई और कुछ और पढ़ रहे, सॉरी, विस्कॉट एल्ड्रिक सिंड्रोम. मुझे इसके बारे में देख रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं. तो ये एक्स लिंक है, इसके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा है, इन्फेक्शन हो रही है, डिक्रीज बी और टी सेल्स दोनों हो रहे हैं. ठीक है, बस ये याद कर लो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, इन्फेक्शन है, रिकरेंट इन्फेक्शन है, पर्प्यूरा नहीं है सच. इसके अंदर एक्जिमा होता है, एक्जिमा जो है एक स्किन कंडीशन होती है, एक्जिमा. ये बच्चे को अच्छा, एड्स क्या है? एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी वायरस. वी ऑल नो दिस. देयर इज अ डिक्रीज इन द सीडी4 पॉजिटिव लिम्फोसाइट्स. सीडी4 टी लिम्फोसाइट्स डायग्नोसिस इज बाय मींस ऑफ एन ELISA टेस्ट. एचआईवी वायरस इज प्रेजेंट इन द ब्लड, सीमन, वजाइनल सेक्रीशन, ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा. Risk is greater with anal intercourse, IV drug abuses, patients receiving multiple blood transfusion. आप लोगों को पता होगा जो AIDS है classically जो है it's considered to be a sexually transmitted disease. So इसका जो cause है वो क्या है कि ये जो है semen और vaginal secretions के अंदर जो है पाया जाता है. But unfortunately if there is is a patient who has AIDS and she is pregnant and she delivers a baby, तो उसके अंदर जो है वो breast milk के through भी उसको transmit कर सकती है, उस बच्चे को भी हो सकता है. So इसके अंदर IV drug abuses के अंदर क्यों होगा ज़्यादा? Because obviously they are sharing the needles और उनका जो blood है वो एक दूसरे के अंदर जो है जो है वो मतलब there is a risk.
सो आईवी ड्रग अब्यूजर्स और जो पेशेंट्स होते हैं विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स उनके अंदर रिस्क होता है. डायग्नोसिस इसका एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे के थ्रू होता है. और इसके अलावा जो है देयर इज बेसिकली द की पॉइंट इज कि देयर इज अ डिक्रीज इन द CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट्स. एक्सक्यूज मी मैम, एनल इंटरकोर्स के साथ द रिस्क इज ग्रेटर. इट्स कॉज केपोसी सार्कोमा, दिस इज अ टाइप ऑफ कैंसर. जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फेडेनोपैथी क्या होती है, दैट इज द इन्फ्लेमेशन और एन एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स ऑफ द बॉडी एंड वेट लॉस. और ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एड्स की दी गई हैं. ऑब्वियसली ये बहुत ही एक सैड और बहुत ही एक क्या कहूँ, मतलब बहुत ही सैड डिजीज है जिसके अंदर जो है आपकी मल्टीपल बॉडी के पार्ट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और इवेंचुअली इसका जो प्रोग्नोसिस है वो चिल्ड डाइज. तो इसके अंदर ये सारी जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं. बेसिकली व्हाट हैपेंस इज इसके इस पेशेंट को बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप की इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगी फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की जो कि नॉर्मली जो है वो हार्मलेस होते हैं टू अ नॉर्मल पर्सन. बट क्योंकि एड्स के पेशेंट के अंदर द CD4 पॉजिटिव टी सेल्स आर वेरी लो, सो इसके अंदर क्या होगा कि वो जो नॉर्मली एक बंदे के लिए हार्मलेस बैक्टीरियम था वो उसके लिए हार्मफुल होगा और वो उसके डिजीज कॉज करेगा. दैट्स अबाउट इट. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट neoplasia, that is yet again a relatively difficult and an important topic. Kisi ko koi questions hai to you can ask me. Ma'am, can I ask? Excuse me, ma'am. Kisi ne mera lecture suna hai ki nahi? मैम हम लोग सुन रहे हैं, आई गेस आपको हमारी आवाज नहीं आ रही थी. कोई बच्चा बोल नहीं चाह रहा. मैम आपको हमारी आवाज नहीं आ रही. आप लोगों की अटेंडेंस में ले लेती हूँ. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही हमें, या आप हमारी आवाज नहीं सुन रही. मैम को चैट बॉक्स में बता दो. चैट बॉक्स डिसेबल्ड है. मैम सब स्टूडेंट बोल रहे हैं, आपको आवाज नहीं आ रही. इस तरह अटेंडेंस नहीं लगेगी जब हमारी आवाज नहीं है. मैम सुन रही है, आवाज नहीं जा रही हमारी, तो फिर कैसे अटेंडेंस लगा रही है. मैम मैम को मेल कर दो फिर. मेल करनी पड़ेगी. सो अहमद नदीम. Yes, ma'am. कोई भी नहीं बोलेगा यार, absent mark हो जाएगी. मैम हम बोल रहे हैं, आपको आवाज नहीं आ रही हमारी. Okay, I can see the hands, but I cannot see the, I cannot hear you. सारे बच्चे कहना चाह रहे हैं. मैम हम बोल रहे हैं आपकी. आप लोग लिख के मुझे नहीं बता सकते कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा. मैम आवाज वो डिसेबल हुआ पड़ा है. यार लिख के बताओ ना. मैम मैं आवाज नहीं आ रहा सारे अपने अपने. चैट बॉक्स है क्या, कहाँ पे लिख के बताएं. चैट बॉक्स है, राइट कर लो. हाँ स्क्रीन पे कोई राइट कर दे मैम को. आई कैन नॉट हियर यू पीपल. वो भी नहीं है. नहीं जो लैपटॉप यूज कर रहा है उधर से मे बी शो हो कुछ स्क्रीन पे, सेल फोन से नहीं हो रहा. मेरी बात सुनो फिर, अटेंडेंस रहने देते हैं बिकॉज़ इस तरह तो मैं नहीं ले सकती अटेंडेंस. अबाउट और फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है यहाँ पे. तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी वाया ईमेल या 1% ईमेल्स मी के ट्रबल क्या हो रहा है ये सारा का सारा. मुझे नहीं, आई डोंट रियली नो व्हाट इज गोइंग ऑन. So, कोई एक मैम को मेल कर दे. मैम को मेल करो कि मैम अटेंडेंस रहने दे. क्वेश्चंस होंगे. आई विश कि यू हियर मी. अगर मतलब मैंने इतना सा लेक्चर डेढ़ घंटा बोला वो आप मुझसे मिले. यार मैम को कोई तो मेल कर दे. ओके चलो ठीक है. इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द लेक्चर ईमेल मी
also one person email me what is going on and why are every why is everyone raising their hands and I cannot hear them speak. और इसके अलावा आप फिर इंशाल्लाह आज के दिन है आज थर्सडे हम मंडे को इंशाल्लाह क्लास होगी कैंसर हम शुरू कर रहे हैं ठीक है ओके हैव अ गुड डे अहेड एवरीवन एनी क्वेश्चंस ईमेल मी बस आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेयर यू सो अब मैं आप लोगों को आंसर नहीं कर सकती यहाँ पे और अटेंडेंस जो है फिर ऑल प्रेजेंट है आज सारे के सारे बिकॉज इस तरह मैं अटेंडेंस भी नहीं दे सकती ओके अल्लाह हाफिज़ एवरीवन